डियर फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है गवर्नमेंट सरकारी वैकेंसी के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं, हम आपके लिए हर बार एक नया नोटिफिकेशन, एक नई जानकारी और एक नया बड़ा अपडेट लेके आते हैं। तो फ्रेंड्स, इस बार भी एक नई वैकेंसी आई है जो बिल्कुल NHM केरला रिक्रूटमेंट की, और दोस्तों सैलरी 30,000 नियर अबाउट है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे इस यूट्यूब के साथ, हम आपके साथ काफी बड़ा चीज डिस्कस करने वाले हैं। जो अपना एक नर्सिंग कैरियर में अपना स्टार्ट करना चाहते हैं, और दोस्तों इसके अंदर 100% जॉब भी है, ऐसी बात नहीं कि आपको जॉब नहीं मिलेगी, 100% जॉब है इसके अंदर। पूरा सिलेबस डिस्कस किया है, आपको सिर्फ इसको फॉलो करते हुए जाना है और जॉब आपकी मुट्ठी में। तो फ्रेंड्स बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ, और दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब और नीचे बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलना फ्रेंड्स, क्योंकि आज ही मैं काफी सारी नोटिफिकेशंस आपके लिए लेके आता रहता हूं। तो फ्रेंड्स इसको चालू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या है वैकेंसी। दोस्तों ये वैकेंसी है जो BSc नर्सिंग जो GNM जो कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने अपने पास अभी पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ले रखा है, और वो अपना केरल NHM रिक्रूटमेंट 2022 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आप एक्सपीरियंस हैं या फ्रेशर हैं, इसका आपको बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं तो फ्रेंड्स आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, आपको बोनस पॉइंट मिलेंगे। अगर फ्रेंड्स अगर आप फ्रेशर्स हैं तो आपको दिल छोटा और दुखी होने की जरूरत नहीं है, ये आपके फ्रेशर्स के लिए भी है। तो दोस्तों इसके अंदर जो सिलेक्शन प्रोसेस चलने वाला है वो देख सकते हैं, वो आपका क्वालिफिकेशन बेस्ड है। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन इसकी मिलती है और आपका एक्सपीरियंस, अगर आप फ्रेशर भी होते हैं, फिर भी दोस्तों ये आपको एक ऑफर देगा जिसके अकॉर्डिंग आपका एक रिटर्न टेस्ट लगेगा। देन आपके पास एक पर्सनल इंटरव्यू किया जाएगा, जो एक आपका एक नाम मात्र का इंटरव्यू होगा, ये सिर्फ आपको जज और आपकी पर्सनैलिटी को देखना होगा। फ्रेंड्स इसकी जगह हम फीस की बात करें तो ये आपको 325 रुपये फीस देनी पड़ेगी। इसमें सारे आपके ट्रांजिशन फीस वगैरह सब आ गए हैं। इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप ST हैं, SC हैं, आपको कोई रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। अब बात करते हैं फ्रेंड सैलरी की। जब जैसे आप ट्रेनिंग पीरियड में जाएंगे तो आपको 17,000 रुपये दिए जाएंगे। आफ्टर ट्रेनिंग अगर आप इसमें देख सकते हैं तो 17,000 प्लस 1,000 और आपके और बेनिफिट्स मिला के नियर अबाउट ये कम से कम आगे 25 से 30 तक की आपकी फ्रेंड सैलरी बैठने वाली है। तो फ्रेंड्स आपको इतना वेट नहीं करना है। जो आपकी एप्लीकेशन है ये 11 अक्टूबर से चालू हो चुकी है, और ये आपके 10 नवंबर तक आखिरी इसकी डेट रहने वाली है। फ्रेंड्स अब इसकी बात आती है कि जब हम इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह रहेगा। जैसा फ्रेंड्स मैंने आपको बताया, इसमें आपका रिटर्न एग्जाम और एक पर्सनल इंटरव्यू रहेगा। रिटर्न एग्जाम के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स, इसमें हमारे सब्जेक्ट क्लियर होते हैं, आप देख सकते हैं। एक तो जनरल नॉलेज आ रहा है, एक हमारा जनरल इंग्लिश आ रहा है, एक रीजनिंग है, एक एप्टीट्यूड, एक नर्सिंग रिलेटेड सब्जेक्ट्स आपका रहने वाला है। फ्रेंड्स पूरा पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मींस आपके पास एक आपका व्हाटएवर गोले करने होंगे आपको इसके आंसर्स के ऊपर, ऐसा नहीं कि डिस्क्रिप्टिव पेपर आएगा। और फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात, इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। काफी ज्यादा इसके अंदर सिलेक्शन के चांसेस 100% है, आपके पास जॉब ऑफर 100% रहेगा। अब दोस्तों इसका थोड़ा सिलेबस हम देख लेते हैं, जो 2022 के अकॉर्डिंग इन्होंने अभी सेलेक्ट किया है। हम बात करते हैं अभी जनरल नॉलेज की, तो आप उसमें देख सकते हैं करंट इवेंट, करंट मिनिस्टर्स एंड गवर्नर्स, हमें करंट मिनिस्टर की सारी लिस्ट हमें ध्यान में होनी चाहिए, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, करंट एंड कैपिटल्स, फेमस प्लेसेस इन इंडिया, बुक एंड ऑथर्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, साइंस एंड इन्वेंशंस, न्यू इन्वेंशंस, नेशनल डांस, म्यूजिक एंड लिटरेचर, नेशन इंडियन कल्चर, इंटरनेशनल अफेयर्स, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, then political science, economy, what is the banking award, economic problem in India, geography of India, book and authors, finance, science and technology, environment, sports and journal, festivity, business, Indian financial system, politics, capital and currencies, education, government schemes, observations and economic terminologies अबाउट इंडिया इन नेबरिंग कंट्रीज एंड समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेज। फ्रेंड्स ये आपका जनरल नॉलेज का टॉपिक रहेगा, जो आपका एक तरह से कह सकते हैं करंट अफेयर्स है, जो डेली हम इवेंट्स हम डेली न्यूज़पेपर में या फिर हम न्यूज़ में टीवी में इसको पढ़ते रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ के टॉपिक कवर करने वाले हैं, और थोड़ी सी इसमें रूट GK भी है, आप उसको पढ़नी आपको पड़ेगी। देन अगर हम इंग्लिश की बात करें तो आप इसमें देख सकते हैं एंटोनिम्स आ गए, सिनोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, प्रीपोजिशंस, इडियम्स एंड फ्रेसेस, वर्ड फॉर्मेशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पैसेज कंप्लीशंस, टॉपिक रीअरेंजमेंट ऑफ पैसेज, जॉइनिंग सेंटेंस, पैरा कंप्लीशंस, सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस कंप्लीशंस, देन डायरेक्टेड इनडायरेक्ट सेंटेंस एग्रीमेंट, थीम डायरेक्शंस, डाटा स्पेशंस, स्पेलिंग टेस्ट, सेंटेंस एग्रीमेंट, and what is this active and passive voice transformation, spotting errors, error corrections and error correction precision board। it is aapka english ka aapke paas topics subject rehne wala hai।
देन फ्रेंड्स अगर हम रीजनिंग की बात करेंगे तो आपके पास रहने वाला है कोडिंग डिकोडिंग सीरीज एनालॉजी पजल टेस्ट ब्लड रिलेशंस एनालिस्ट एनालिटिकल रीजनिंग पेपर फोल्डिंग पेपर कटिंग क्यूब एंड डाइस। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये आपका एक तरीके से मेंटल एबिलिटी टेस्ट है जिसमें आपके पास सारे ये टेस्ट लगने वाले हैं वर्ड सीक्वेंस मिसिंग कैरेक्टर्स सीक्वेंस आउटपुट एंड आउटपुट ट्रेनिंग डायरेक्शन टेस्ट ऑन अल्फाबेट्स एलिजिबिलिटी टेस्ट डॉट सिचुएशंस आइडेंटिकल फिगर ग्रुपिंग्स फॉर्मिंग फिगर्स एंड एनालिसिस कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्वायर्स एंड ट्रायंगल्स डाटा सफिशेंसी अल्फा न्यूमेरिक एंड सीक्वेंस पजल्स स्पॉटिंग एम्बेडेड फिगर्स रूल्स डिटेक्शंस एंड मिरर इमेजेस फिगर मैट्रिक्स कंप्लीशन इनकम्प्लीट पैटर्न assertion and reasoning, arithmetical reasoning, operation of mathematics and Venn diagram. तो दोस्तों ये आपका मैथमेटिक्स में टॉपिक रहेगा। अगर हम एप्टीट्यूड की बात करें तो फ्रेंड्स आपका एलिमेंट्री मेथड एप्टीट्यूड आप देख सकते हैं सिंप्लीफिकेशन स्टॉक एंड शेयर टाइम डिस्टेंस टाइम वर्क टू डिस्काउंट एरिया एवरेज परसेंटेज एंड पार्टनरशिप बैंकर्स अकाउंट बोर्ड्स कैलेंडर चेन रूल क्लॉक्स कंपाउंड इंटरेस्ट डेसिमल फ्रैक्शन एलिगेशन पाइप एंड कंस्ट्रेंट्स प्रॉब्लम ऑन एजेस प्रॉब्लम ऑन नंबर्स प्रॉब्लम ऑन ट्रेंड्स प्रॉफिट एंड लॉस रेस एंड गेम ऑफ स्किल्स रेशियो प्रपोर्शन सिंपल एंड सिंपल इंटरेस्ट HCF, LCF, हाइट एंड डिस्टेंस एल्गोरिथम्स देन योर ऑपरेशन ऑन नंबर्स एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। फ्रेंड्स तो ये बहुत ही बेसिक है आपके टेंथ क्लास की मैथमेटिक्स है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स कह सकते हैं ये काफ़ी सिंपल से रहने वाला है। अगर आपको फ्रेंड्स अगर आपने अपने एट से लेकर टेंथ तक की अपने बिल्कुल पढ़ रखी तो आप इसको ईजिली क्लियर कर लेंगे। ये तो फ्रेंड्स एक आर एस अग्रवाल आती है काफ़ी बढ़िया बुक्स है एलिमेंट्री बहुत अच्छे से इसको समझा रखा है आप उसको एग्जाम्स को जाके इसको आप क्लियर कर सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक रहता है आपका नर्सिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड जैसे आप फर्स्ट एड हो गया नर्सिंग मैनेजमेंट हो गया न्यूट्रिशंस हो गया मेंटल हेल्थ मेंटल सर्जिकल्स आप फ्रेंड्स इसको देख सकते हैं। ये मैं आपका पूरा सिलेबस आपके पीडीएफ के अंदर से आपको असेंबल लगा के कर दूंगा। तो फ्रेंड्स आप देख आपने जैसा आपने मेरे वीडियो में देखा आपको मैंने पूरा सिलेबस और आपका पूरा मैंने सिलेक्शन प्रोसेस आपको समझा दिया है। और फ्रेंड्स आपकी ये जॉब अभी बिल्कुल ओपनिंग में है 10 अक्टूबर से आपकी बिल्कुल ये ओपनिंग चल रही है 11 अक्टूबर को आपका फॉर्म ओपन हुआ है 10 नवंबर लास्ट डेट है। फ्रेंड्स आप जितना जल्दी हो सके इसको भर दीजिए। इसकी टोल की वेबसाइट कौन सी cmdkerala.net है ये आपका और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहने वाला है पोस्ट भी इसके अंदर 1749 है आप इसके अंदर क्लियर देख सकते हो नेशनल हेल्थ मिशन केरला की तरफ से निकाली गई है। तो फ्रेंड्स अगर आपको इसमें कोई भी अगर सर डाउट होता है कोई भी ऐसा प्रॉब्लम लगती है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा यू मे आस्क इन एनी टाइम आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हो मैं आपकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल तत्पर रहूंगा। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो काफी पसंद आया होगा आपने काफी इसको एंजॉय भी किया होगा नई चीज आपको एक नई ऑफ जॉब के बारे में पता चला है। तो फ्रेंड्स इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए लाइक कीजिए और अपने पेरेंट्स और अपने रिलेटिव्स को भी शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स मुझे आप इजाजत दीजिए मैं अगली बार आपके पास एक नया वीडियो नई जानकारी नया अपडेट लेके फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर बाय।